हमें अपने घर के मंदिर में कैसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए? घर के मंदिर में कौन से भगवान की कैसी मूर्ति रखें? क्या हम अपने घर के मंदिर में चांदी की मूर्तियाँ रख सकते हैं? घर के मंदिर में चांदी की मूर्ति रखने से क्या होता है? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घरों में इष्ट देव की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर जरूर बनाते हैं। घर में ये ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा होता है। धार्मिक दृष्टि से तो पूजा पाठ करना अच्छा माना जाता ही है, वास्तु की दृष्टि से भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। वास्तु कहता है कि प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर में सुख और शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद भी घर का वातावरण नकारात्मकता से भरा रहता है, हर तरफ नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। क्या आपको पता है कि कई बार मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखते समय अगर हम कुछ बातों को ध्यान नहीं दें तो इसके कारण हमें कई समस्याओं और कलह क्लेश आदि का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु में पूजा पाठ को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, इन नियमों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा पाठ में भगवान की मूर्तियां रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है, मंदिर में हमें किस तरह से मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी स्थान पर या पूजा घर में भगवान की मूर्ति कभी भी इस प्रकार नहीं रखनी चाहिए कि उनकी पीठ के दर्शन हो, यानी उल्टी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि पीठ की ओर से भगवान के दर्शन करना शुभ नहीं होता है, इससे दुर्भाग्य आता है। खास तौर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को इस तरह से कदापि न रखें जिससे मूर्ति का पिछला भाग दिखाई दे रहा हो। माना जाता है कि भगवान गणेश की पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, इससे आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है, खंडित मूर्तियां हमें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि मंदिर में भूलकर भी खंडित मूर्तियां या तस्वीर ना रखें। खंडित मूर्तियां या तस्वीर होने से पूजा करते समय हमारा ध्यान बार बार उस ओर जाता है और हम पूजा पाठ पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। मन अगर एकाग्र नहीं होता है तो हमें पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त हो पाता है और हमारी पूजा अधूरी रहती है। तीसरा नियम है, एक साथ हमें दो या तीन मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। वास्तु कहता है कि पूजा घर में एक ही देवी या देवता की एक से अधिक मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। अगर भगवान गणेश की दो प्रतिमाएं हों तो उन्हें अलग अलग स्थानों पर, जैसे एक द्वार पर तो एक पूजा घर में लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों मूर्तियां बिल्कुल भी ना रखें। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं एक दूसरे के ठीक सामने नहीं होनी चाहिए, ऐसा होने से घर में कलह और क्लेश की स्थिति बन सकती है। ये तो थी जानकारी कि हम अपने घर के पूजा घर में किस तरह से मूर्तियों को रखें, कैसी मूर्ति रखें। और अब जानते हैं कि हम अपने घर के मंदिर में कौन से भगवान की कैसी मूर्ति रखें। हम अपने घर में भगवान की मूर्तियां तो रख लेते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती है कि हम किस भगवान की कैसी मूर्ति रखें। तो चलिए जानते हैं हम। भगवान गणेश की मूर्ति, घर में मौजूद पूजा के मंदिर में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की मूर्ति रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में विघ्नहर्ता की मूर्तियों की संख्या विषम ना हो, अर्थात एक या तीन मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसकी जगह भगवान गणेश की कम से कम दो मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। शिवलिंग, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन घर के मंदिर में शिवलिंग रखने से संबंधित कुछ जरूरी नियमों को जानना बहुत जरूरी होता है। उन नियमों का पालन करना सभी लोगों को करना चाहिए। लिहाजा घर के मंदिर में रखा शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग घर के मंदिर में बड़ा शिवलिंग स्थापित कर लेते हैं, तो हमें बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना है। साथ ही पूजा घर में एक से अधिक शिवलिंग रखने से भी हमें बचना चाहिए। तीसरी मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति। घर के पूजा घर में शिवलिंग की तरह ही हनुमान जी की मूर्ति भी एक ही होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप खड़े हनुमान जी की जगह घर के मंदिर में बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखें।
घर के अन्य किसी भी हिस्से में हनुमान जी की मूर्ति नहीं लगाएं। चौथी मूर्ति है माँ दुर्गा या अन्य देवी देवताओं की मूर्ति। घर के मंदिर में माँ दुर्गा या किसी अन्य देवी की मूर्तियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो घर के मंदिर में देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, इन सबकी 2 या 4 मूर्तियाँ रख सकते हैं। पांचवी मूर्ति है सौम्य रूप वाली मूर्ति। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर में किसी भी भगवान की सिर्फ सौम्य रूप वाली मूर्ति ही रखनी चाहिए। क्रोधित भगवान की मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। हमेशा मुस्कुराते हुए भगवान ही रखने चाहिए। भगवान शिव की नटराज रूप वाली मूर्ति, माँ दुर्गा की कालरात्रि स्वरूप मूर्ति आदि को घर के मंदिर में ना रखें। भगवान शिव की नटराज मूर्ति आप लिविंग एरिया में रख सकते हैं। ये तो थी जानकारी कि हमें घर के मंदिर में भगवान की कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए। अब आइए जानते हैं क्या हम अपने घर के मंदिर में चांदी की मूर्ति रख सकते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर के प्रतिबिंब के तौर पर मूर्तियों की पूजा की जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। विभिन्न धार्मिक अवसरों पर देवी देवताओं की मूर्तियों को लोग अपने घरों में खरीद कर लाते हैं और घर के मंदिर में स्थापित करते हैं। भगवान की चांदी की मूर्तियाँ क्या घर के मंदिर में रखना सही होता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्तियों को रखने से संबंधित नियम को मानना भी बेहद आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं क्या हम अपने घरों में चांदी की मूर्तियाँ रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आप भगवान की चांदी की मूर्तियाँ घर के मंदिर में रखते हैं तो ऐसा करने से आपको काफ़ी शुभ फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही चांदी की मूर्तियाँ जो कि चंद्रमा का कारक होते हैं, क्योंकि चांदी भी ठंडी होती है और चंद्रमा भी ठंडे का प्रतीक होता है, तो उनको घर पर रखने से आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी की मूर्तियों को घर में रखने से आपके घर में सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपको मानसिक शांति मिलती है। भगवान की चांदी की मूर्तियाँ घर के मंदिर में रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही आपको ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आप नियमित तौर पर मंदिर में रखी चांदी की मूर्तियों की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपको ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। ईश्वर की चांदी की मूर्तियों को घर की उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। कई लोग अपने घर में चांदी के सिक्के भी रखते हैं, जिन्हें भी वास्तु के अनुसार बेहद शुभ माना जाता है। विभिन्न धार्मिक अवसरों पर चांदी के सिक्कों की पूजा भी की जाती है। ध्यान रहे, जब भी आप घर के मंदिर में चांदी की मूर्ति स्थापित करें तो उसे हमेशा चौकी पर रखें, उसे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हमें घर के मंदिर में किस तरह की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, घर में हम मूर्तियाँ कैसी रखें और घर में क्या हम चांदी की मूर्तियाँ रख सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।